फिनाले से पहले बिग बॉस ने प्रियंका को सौंपी है कौन सी बड़ी जिम्मेदारी? आखिर आधी रात को कैप्टन रूम में क्यों बुलाया गया है प्रियंका को, और क्या बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका को सौंपी है बिग बॉस ने? क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं, बताएंगे आपको यहाँ टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका टीवी धमाका पर, और यहाँ अभी बिग बॉस के घर से एक बड़ी अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आखिर क्यों प्रियंका चहर चौधरी को आधी रात को कैप्टन रूम में बुलाकर बिग बॉस ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, पूरी डिटेल्स आपको बताएं। उससे पहले अगर आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। वेल, कल रात लाइव फीड में देखने को मिला कि एपिसोड खत्म होने के बाद रात में जब लाइव फीड शुरू हुई, प्रियंका को कैप्टन रूम में बिग बॉस ने बुलाया। जी हाँ, आप देख सकते हैं प्रियंका कैप्टन्स रूम में है। इन फोटोज़ में आप देख सकते हैं कि प्रियंका इस वक्त, यानी कि जब रात के वक्त लाइव फीड में ये फोटोज़ ली गई, वो कैप्टन्स रूम में थी और बिग बॉस ने यहाँ बुलाकर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। देखिए, निमृत तो घर से चली गई, निमृत के पास टिकट टू फिनाले था, यानी कि निमृत ही कैप्टन थी, पर अब निमृत घर से जा चुकी हैं। फिनाले में यूँ तो सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन यहाँ बिग बॉस प्रियंका की तारीफ करते हुए नजर आए कि प्रियंका भले ही कैप्टन नहीं बनी, लेकिन उन्होंने घर में अपना पूरा योगदान दिया, और ये जिम्मेदारी बिग बॉस जो है प्रियंका को सौंपते हुए दिखाई दिए कल रात लाइव फीड में, कि प्रियंका जो है वो अब घर में एक कमान संभाल लें, और जितने भी कुछ दिन बचे हैं उन दिनों के लिए प्रियंका कहीं ना कहीं चीज़ों को संभालें और चीज़ों को सही तरीके से वो करें, करवाएं। इसकी जिम्मेदारी बिग बॉस उन्हें दे रहे हैं। बिग बॉस ने यहाँ प्रियंका को जिम्मेदार भी कहा कि प्रियंका घर में बहुत जिम्मेदार हैं और घर में किसी भी तरह की जो भी चीज़ें या हलचल हो रही हैं उससे प्रियंका हमेशा जुड़ी रहती हैं, इसीलिए ये बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका को बिग बॉस सौंप रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही साथ बिग बॉस ये भी कहते हुए प्रियंका को दिखाई दिए कि प्रियंका कहीं ना कहीं आपका इंडिविजुअल गेम बहुत स्ट्रांग हुआ है और इसी वजह से अब आप यहाँ तक पहुँच गई हैं। वैसे प्रियंका जो है वो अब फिनाले के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, प्रियंका के जीतने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा माने जा रहे हैं, और प्रियंका अगर जीतती हैं तो ऐसे में एक ये कलर्स के फेस वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं बार बार सामने आ रहा है, पर प्रियंका स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको प्रियंका कितनी पसंद है अपने कॉमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।